हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे और मज़े में होगे। तो चलिए एक मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ इन गर्मियों के लिए। तो आज हम आपको पिलाने वाले हैं एप्पल मोजीतो की रेसिपी। जी हाँ, इसे हम बिल्कुल शुद्धता के साथ सब कुछ घर पे ही रेडी करेंगे, कुछ भी बाहरी नहीं यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें हमारे पास ये जो एप्पल हैं उन्हें इस तरीके से कट कर लेना है और इनके छिलकों को हटा देना है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्यार हमारे साथ यूं ही बांटते रहिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि नए हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए आप। तो ये देखिए, थोड़े से एप्पल को हमने बारीक बारीक कट करके ग्लास में डाल दिया है। बाकी के जो एप्पल हैं इनका हम जूस निकालेंगे, तो इन्हें हमें मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। तो ये है हमारा मिक्सर ग्राइंडर और इसमें हम अपने एप्पल को डाल रहे हैं और इन्हें थोड़ा ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत ही हल्का सा आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं ज़रा सा यहाँ पे पानी डाल दे रही हूँ और अब हम इसे पीस के ले आते हैं। तो हमने अपने एप्पल को पीस लिया है और इसे हम छान लेते हैं। एप्पल के रस को हमने यहाँ पर छान के रख लिया है। तो इस ग्लास में हम डालेंगे थोड़ी पुदीने की पत्तियाँ और फिर हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से दबा देते हैं, यानी कि मसल देते हैं। और इसमें हमें ऐड करना है थोड़ा सा काला नमक, ज़रा सा हम ऐड कर रहे हैं। और अब हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून शुगर और अब यहाँ पे डालेंगे हम नींबू का रस। तो आधा नींबू का रस हमने इसमें निचोड़ दिया है और अब डाल देंगे अपने जूस को, एप्पल जूस को। और अब डाल देंगे आइस क्यूब्स और ऊपर से पुदीने की पत्तियाँ और थोड़े से हमने नींबू इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये हमारा होममेड एप्पल मोजीतो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे सर्व करिए, मज़े लीजिए और अपने कमेंट हमसे ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। तो ये देखिए, बहुत ही परफेक्टली तैयार हुए हैं ये। तो आप इसके मज़े लीजिए और अपने कमेंट हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स।